हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से एडजेसेंट प्लेट्स वाले न्यूमेरिकल्स को। दिखने में बड़े अजीब से लगते हैं, कॉम्प्लेक्स से लगते हैं, लेकिन होते नहीं। मैंने कहा दिखने में लगते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको बहुत आसानी से इसको समझना है, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो की बात करें तो 5 से 6 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझाते हुए चलना है। लेकिन आप इसको खुद से करोगे उसको देखने के बाद, तो आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड या मैक्सिमम टाइम 1 मिनट लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में भी यही बात बोली थी। चलिए देखो, तो बात करते हैं कि मान लो कि हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनती है कि हमारे पास एक ये प्लेट है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर्स की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है और ये पांचवी प्लेट। इसके बाद एक दो प्लेट और बढ़ा देंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो इस तरह से 5 प्लेट दे दी मेरे पास, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि भाई ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट को कनेक्ट करा दिया एक टर्मिनल के साथ, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, ठीक है। ये दो प्लेट हैं, ये वाली, ये दो प्लेट हैं, इनको कनेक्ट करा दिया एक दूसरे पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब मुझसे कह दिया कि भाई इस पूरे सिस्टम की ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, दैट मींस मुझे टोटल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या करेंगे? तो पहले मुझे क्या करना है कि ये जो प्लेट्स हैं, इन सब सारी प्लेट्स को मैं काउंटिंग, दैट मींस नंबरिंग दे दूंगा, ठीक है ना। देखो तो ये पहली प्लेट हो गई 1, ये दूसरी प्लेट हो गई 2, ये तीसरी प्लेट हो गई 3, ये चौथी प्लेट 4, ये पांचवी प्लेट 5, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि भाई दो प्लेट से मिलकर के कैपेसिटर बनेगा, तो मैं क्या करूं, मैं यहां पर जो है, मैं यहां पर इन दोनों के बीच में ये C1 लिख दिया मैंने, ये दूसरे और तीसरी प्लेट के बीच C2 लिख दिया, ये तीसरा कैपेसिटर हो जाएगा C3 और ये चौथा कैपेसिटर हो जाएगा आपका C4। क्लियर इतनी बात? नाउ कंडीशन ये बनती है कि जब मैंने इस तरह से लिख दिया, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे पॉइंट्स मार्क करने, जैसे हमने वी डिस्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन किए होते, बहुत आसान थे ना, इसी तरह से ये है। अब क्या करना है, मुझे देखना है कि मैं सबसे पहले नाम दे दूंगा ए और सब यहाँ पे नाम दे दिया बी। यहाँ पे ये देखो कि ए पॉइंट से कौन कौन से टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो ए से मैंने देखा ये पहला वाला है, ये देखो पहली प्लेट ए से जुड़ी है और तीसरी प्लेट ए से जुड़ी है। तो क्या करेंगे, तो फिर ऐसा करेंगे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट प्लेट जुड़ी हुई है ए से और थर्ड प्लेट जुड़ी है। इसी तरह से मैंने देखा वहाँ पे कि बी से कौन जुड़ा हुआ, तो बी से सेकंड प्लेट और बी से फिफ्थ प्लेट, तो बी से सेकंड प्लेट और बी से फिफ्थ प्लेट ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है, ठीक है ना। आसान मेथड है ये, समझ लो कि मेथड वही होते हैं, समझ रहे हो ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सप्लेन करने की का तरीका होता है। तो आप ऐसा मत ना समझना कि भाई ये कोई अलग से ट्रिक है, ये सारी कॉमन ट्रिक हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। बस अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ये 1, ये 3, ये 2, 5, ठीक है ना, कौन कौन किस किस से कनेक्ट है। अब देखो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर पहली वाली प्लेट देखो, पहली वाली जो प्लेट है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ पहला कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर कौन कौन सी प्लेट से मिलकर बन रहा है, बोला 1 और 2। तो उसका मतलब है अगर मुझे C1 मिलाना है तो प्लेट फर्स्ट और सेकंड से मिलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाली प्लेट देखो A के पास है, तो मैंने क्या किया इस तरह से, और यहाँ पे B के पास कौन सी, सेकंड वाली प्लेट, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, हो गया। देखो मैंने क्या किया, बोला A और B दो पॉइंट को मार्क किया। इसके बाद जो है ना 1, यहाँ पे देखा कि A से कौन कौन सी प्लेट जुड़ी है, तो A से फर्स्ट वाली प्लेट जुड़ी है और थर्ड वाली जुड़ी है, B से सेकंड वाली और फिफ्थ वाली। फिर मुझे देखना है कि कैपेसिटर C1 अगर मुझे बनाना है तो कौन कौन सी प्लेट्स के बीच में है, तो कैपेसिटर C1 फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। फिर देखता हूँ कैपेसिटर C2 अगर मुझे बनाना है तो सेकंड और थर्ड प्लेट के बीच में है, तो सेकंड और थर्ड प्लेट को देख लो, ये रही सेकंड और थर्ड प्लेट, ठीक है। चलिए ये सेकंड और थर्ड प्लेट, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने कहा C3 की बात करते हैं, C3 किस किस के बीच में, थर्ड और फोर्थ प्लेट के बीच में। अब फोर्थ प्लेट किससे जुड़ी है, फोर्थ प्लेट किसी से जुड़ी, तो जो किसी से नहीं जुड़ी वो भगवान से जुड़ी है, यानी कि बीच में जुड़ी है, हमने लगा दी कि भाई ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये सी पॉइंट C3 किस किस के साथ है, थर्ड के और फोर्थ के साथ, ठीक है ना। अच्छा तो मैंने इसको ऐसे नाम देता हूँ कि भाई ये इसके पास कौन सी प्लेट है, ये सी पॉइंट के पास, ये फोर्थ है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड और फोर्थ यानी कि मैंने इसको इस तरह से बना दिया है, थर्ड और फोर्थ, इस ये जुड़ गया अपना, क्लियर है। नाउ अब क्या करें भाई, अब ऐसा करते हैं फोर्थ और फिफ्थ प्लेट किसके साथ जुड़ी हैं, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ, ये C4 किसके साथ, मतलब दैट मीन C4 में देखो फोर्थ और फिफ्थ, तो ये अपना कॉम्बिनेशन का जो अरेंजमेंट है इस तरह से बन गया। यानी कि बस मुझे ये देखना है कि कौन सी प्लेट किस किस साथ जुड़ी है, उसी नंबर से मुझे मैचिंग कर देनी है, बस अब तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। लेट से मैंने मान लिया कि भाई सबकी कैपेसिटेंस कितनी, बोला हर किसी की कैपेसिटेंस है, बोला सी कितनी, सी, तो मैंने मान लिया कि भाई हर किसी की कैपेसिटेंस सी, तो किस तरह से हो जाएगा, ये किस तरह से हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर दो। ये आपका हो गया पहला वाला,
ये सीरीज में है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी बाय टू, और ये आपका ये, तो ये आपका सी, ये सी बाय टू, और ये आपका सी, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, अब ये तीनों पैरेलल में आ गए तो सॉल्व कर दो, सी प्लस सी प्लस सी बाय टू, सॉल्व हो जाएगा ये इन तीनों, ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, ये टू सी प्लस टू सी प्लस सी अपॉन टू, इसका मतलब है ये हो गया आपका फाइव सी बाय टू, क्लियर है, ये अपना आंसर हो गया, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम की जो आपकी जो नेट कैपेसिटेंस आ गई वो कितनी हो गई आपकी, फाइव सी बाय टू, क्लियर इतनी बात। अब देखो अगर हम इसमें जो है ना बहुत सारी प्लेट लगा दें तब कैसे होगा ये, तो बहुत सारी प्लेट लगा देंगे तब भी हो जाएगा ये बहुत आसानी से, ठीक है ना। किस तरह से करते हैं इसको देखो, लेट्स से मेरे पास कंडीशन को जिस तरह की बना दी कि मैं यहाँ पे जो है ना अब काफी सारे प्लेट लगा लेता हूँ, एक दो तीन चार, इतनी सारी प्लेट्स लगा दी मैंने, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, बोले इसको कनेक्शन को जिस तरह से कराते हैं कि लेट्स से मैंने माना कि फर्स्ट और थर्ड प्लेट को जोड़ दिया मैंने, मतलब ये कोई भी प्लेट नाम दे दो, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने इस तरह का कनेक्शन किया कि मैंने इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये दोनों प्लेट छोड़ दी, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोले सारे सबसे पहले प्लेट्स को नाम दो, तो प्लेट्स को नाम दिया, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन, ठीक है। क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे बनेगा, ये हो गया आपका सी वन, ठीक है, ये हो गया आपका सी टू, ये हो गया आपका सी थ्री, ये हो गया आपका सी फोर, सी फाइव, सी सिक्स, सी सेवन और आपका ये सी सी एट, ये कंडीशन हमने बना दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मेथड, फिर से ए बी दो पॉइंट्स मार्क करो, ठीक है ना, दो पॉइंट्स मार्क करो, आपने बना दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ए किस किस प्लेट से जुड़ा, बोला सेकंड से जुड़ा है ए, और ए जुड़ा है आपका फिफ्थ से, तो सेकंड से और फिफ्थ से इस तरह कनेक्शन है। ये देखो कौन कौन सी प्लेट से, बी कौन सी प्लेट से जुड़ा है, तो बी जुड़ा है आपका बी जुड़ गया है फोर्थ से और एट से, तो मैंने बी पे लिख दिया फोर और एट, ठीक है। कंडीशन को देखना, मैंने कहा कैपेसिटर सी वन की बात करता हूं, किसकी, सी वन की, तो सी वन देखो, सी वन किससे जुड़ा है, बोला सी वन वन और टू प्लेट से, तो फर्स्ट प्लेट कहाँ है, बोला फर्स्ट प्लेट तो नहीं है, तो फर्स्ट प्लेट मैंने एक काम किया कि यहां बना दी, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा है, बोला इससे जुड़ा है, सी वन किससे जुड़ा है, बोला इससे जुड़ा है, सी वन किससे जुड़ा है, बोला ये फर्स्ट प्लेट से जुड़ा है यहाँ पे, और वन और ये टू। चलिए सी टू की बात करूंगा, सेकंड और थर्ड प्लेट से, तो सेकंड और थर्ड प्लेट कहाँ है भाई, तो मैंने एक काम किया कि इसको यहाँ बना दिया, सेकंड और थर्ड प्लेट, तो सेकंड तो यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, मैंने थर्ड प्लेट बना दी यहाँ पे, ये थर्ड बना दी, क्योंकि थर्ड अगर वहां पे होता तो मैं मिला देता वहां पे, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा सी थ्री की, सी थ्री है थर्ड और फोर्थ पे, तो सी थ्री है थर्ड और फोर्थ पे, तो ये बन गया मेरा थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड प्लेट से फोर्थ प्लेट को मिला दिया मैंने, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, मैंने कहा सी फोर, सी फोर कहां है भाई, सी फोर फोर्थ और फिफ्थ से मिला है, फोर्थ और फिफ्थ से, तो सी फोर मिला दूंगा मैं फोर्थ और फिफ्थ से, ये हो गया आपका फोर्थ और फिफ्थ से, ये आपका फोर्थ और ये फिफ्थ। सी फाइव की बात करूंगा, किससे मिला है, फिफ्थ और सिक्स से, तो फाइव और सिक्स कहाँ है भाई, फाइव और सिक्स मुझे नजर नहीं आ रहे, तो फाइव और सिक्स, चलो मैंने एक काम किया इसको फाइव और सिक्स, तो फाइव और सिक्स, ये फाइव यहाँ पे, सिक्स मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया। चलिए इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि चलिए सिक्स हो गया, फाइव फाइव और सिक्स, ठीक है। इसके बाद सी सिक्स देखो, सिक्स और सेवन से मिला है, तो ये मेरे सिक्स नंबर का था, तो मैंने सिक्स और सेवन से मिला दिया आपका ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद सी सेवन देखो, सेवन और एट, ठीक है ना, ये वाला कैपेसिटर किससे मिला है, सेवन और एट से, ये वाला पॉइंट था सेवन, तो सेवन और एट से ये कैपेसिटर मिला हुआ है, इस तरह से मिला दिया मैंने। अब देखो किसको, लास्ट वाला, ये वाला एट और नाइन के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है, देखो सी एट। अब देखो एट और नाइन कहाँ है, बोलो मुझे नहीं पता, एट पॉइंट तो चलो ये रहा, और नाइन्थ वाला पॉइंट कहाँ है मुझे नहीं पता, तो चलो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ये नाइन, ठीक है। ध्यान से देखना, बोला आसान है अपना, सॉल्व हो गया। ये देखो ये दो कैपेसिटर किसी पॉइंट से कनेक्ट तो नहीं, किसी टर्मिनल से तो कनेक्ट नहीं है ना, अब अगर इसमें चार्ज जाएगा भी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो बोले कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये वाला कैपेसिटर,
ये आधा है, बोले इसमें भी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इस सर्किट को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बोला कैसे, ऊपर दो कितने है? बोला दो, तीन। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, नीचे वाली में दो, इसके बाद इस वाली में कितना, बोला एक। क्लियर इतनी बात ना, ये कंडीशन बन गई अपनी। चलिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। मैंने कह दिया भाई हर किसी की कैपेसिटेंस कितनी, बोला सी। तो आप देखो इसकी सी 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 कैसे कर लोगे, तो इसको सॉल्व कर लो। तो पहले वाले को सॉल्व करोगे सीरीज में, तो पहले वाले की कैपेसिटेंस निकल के आ गई सी बाय थ्री। चलिए दूसरे वाले की कैपेसिटेंस निकल के आ गई, ये दोनों हैं तो सी बाय टू। चलिए इसको आगे बढ़ा दिया, तीसरे वाले की कैपेसिटेंस निकल के आ गई सी सी। चलिए ये कंडीशन बन गई, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब ये तीनों पैरेलल में ऐड कर दो, पैरेलल में ऐड कर दो, कैसा होगा, बोला सी बाय थ्री प्लस सी बाय टू प्लस आपका सी। चलिए एलसीएम आ गया सिक्स, या आ गया आपका टू सी प्लस थ्री सी प्लस आपका सिक्स सी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस टू इलेवन, तो इलेवन सी अपॉन सिक्स। ये हो गई आपकी इस पूरे सिस्टम की, या आप इसको बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम की हो गई। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों कैपेसिटेंस की कुछ भी वैल्यू दे दी जाएगी, तो अपन यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा, एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ज़्यादा ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया तो एक मिनट से डेढ़ मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा ना। समझ पाओगे, आसानी से कर लोगे। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।